एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लुक के साथ यहाँ पर आई हूँ। मैं दुर्गा पूजा नवरात्रि मेकअप लुक कर रही हूँ यहाँ पर, और ये लुक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ये लुक मैंने कैसे कंप्लीट किया, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लूँगी। मैंने निविया का मॉइस्चराइजर लिया और इसको मैं अच्छे से अपने फेस पर ब्लेंड कर लूँगी हाथों की हेल्प से। आपको जो भी मॉइस्चराइजर अच्छा लगे आप वो मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लें। अच्छे से हम इसको लगा लेंगे। उसके बाद मैं हुडा ब्यूटी का प्राइमर ले रही हूँ, इसको हल्का सा मैं बस नोज़ के अराउंड लगा रही हूँ। और उसके बाद मैं सबसे पहले आई मेकअप कंप्लीट करूँगी। मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले लिया, मैं इसको लगा लूँगी अपने आईज़ के अराउंड और उसको मैं अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। बिल्कुल लाइट हैंड से मैं यहाँ ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा लगाती तो वो फॉल आउट जो भी होगा वो मेरे सारा फेस मेकअप ख़राब कर देगा, इसलिए मैं आई मेकअप से स्टार्टिंग कर रही हूँ। मैं यहाँ पर इसको मैं अच्छे से लगा लूँगी। इसको ब्लेंड करने के बाद मैं सबसे पहले अपनी आईब्रो फिल कर लूँगी। मैंने स्विस ब्यूटी का पैलेट लिया, इसमें से ब्राउन शेड लेकर मैं नेचुरल आईब्रो फिल करूंगी। आपको जो भी पसंद है वैसे फिल करें, मैं यहाँ पर नेचुरल कर रही हूँ। दोनों को हम कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद मैंने ये मॉर्फी की पैलेट ली है, सॉरी, और उसके बाद मैंने ये थोड़ा सा वॉर्म सा न्यूड सा शेड लिया है। मैं इसको एज अ ट्रांजिशन कलर यूज़ कर रही हूँ। और इसको बिल्कुल लाइट हैंड से हमें लेना है फ्लफी ब्रश में और इसको लगाना है और ब्लेंड करना है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप वो अप्लाई करें। यहाँ पर थोड़ा सा वॉर्म सा शेड लेना है हमें और उसको अच्छे से अप्लाई करना है। उसके बाद मैंने एक बर्गंडी और ब्राउनी शेड लिया है। मैं इन दोनों शेड को मिक्स कर अपनी आईज़ पर लगाऊंगी। मैं एक काइंड ऑफ हेलो आईज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ विदाउट कट क्रीज। यहाँ पर देखिए मैंने दोनों शेड लिया, मैं किस तरीके से इसको ब्लेंड करूँगी। यहाँ पर बहुत लाइट हैंड से हमें करना है, यहाँ पर बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, वरना हमारे कलर बिल्कुल अच्छे नहीं दिखेंगे, अलग से अलग दिखेंगे, ऐसा लगेगा अलग से हमने लगाए रखे। उसके बाद मैंने गोल्डन कलर का शिमर लिया, उसको जस्ट बीच में मैं लगाऊंगी अपनी आईज़ के, बिल्कुल भी साइड में नहीं जाना हम लोगों को, बिल्कुल हल्के हाथ से हमें लगाना है। यहाँ पर ब्रश, अगर आप ब्रश से कंफर्टेबल हैं तो आप ब्रश से ले सकते हैं, लेकिन मुझे फिंगर से ज़्यादा ठीक लग रहा था, मैंने फिंगर से लिया। और उसके बाद मैंने सेम ब्रश से इसको ब्लेंड किया हल्के हाथ से, बिल्कुल लाइट हैंड से मैं इसको यहाँ ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं काजल अप्लाई कर लूँगी। आपको अगर काजल नहीं लगाना तो आप मत लगाइए, मैं यहाँ पर अप्लाई कर लूँगी। मैंने स्विस ब्यूटी का लाइनर ले लिया, मैंने विंग बिना विंग के मैं लाइनर लगाऊंगी, यहाँ विंग नहीं निकालूंगी। इस लुक में विंग अच्छी नहीं लग रही थी इतनी, तो मैंने विंग नहीं निकाली और मैं इसको जस्ट नॉर्मल अप्लाई कर रही हूँ। बिल्कुल लाइट हैंड से मैं यहाँ पर कर लेंगी। उसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहो तो फॉल्सेस नहीं भी लगा सकते हो, लेकिन मैं इस लुक में थोड़ा सा ग्लैमर देने के लिए मैं फॉल्सेस यहाँ पर अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैंने फाउंडेशन मस्कारा अप्लाई करूँगी, अच्छे से दो तीन कोट लगा लूँगी। मैं अच्छी तरीके से कवर कर लूँगी अपनी लैशेस को मस्कारे की हेल्प से, अच्छे से मैं यहाँ लगा रही हूँ। उसके बाद मैं फाउंडेशन ले रही हूँ और डॉट डॉट करके अपने फेस पर फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ और इसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम ब्लेंड कर लेंगे। अच्छी तरीके से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। मैंने हल्का हल्का नेक पर भी अप्लाई किया। उसके बाद मैं थोड़ा सा कंसीलर लगा रही हूँ जहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा कवरेज चाहिए। उसके बाद मैं इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। थोड़ा कम ही प्रोडक्ट मैंने लिया है यहाँ पर, एक्स्ट्रा नहीं लगाया, वो एक्स्ट्रा खुद ही हो जाता है जब हम इसको लगाते हैं, सब में ब्लेंड हो जाता है अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं कॉम्पैक्ट ले रही हूँ और फुल फेस को मैं कॉम्पैक्ट की हेल्प सेट कर लूँगी। आप चाहो तो यहाँ पर लूज़ पाउडर ले सकते हो, लेकिन मैंने कॉम्पैक्ट लिया। उसके बाद मैंने ये पर्पल शिमरी सा शेड लिया है, मैं ये अप्लाई करूँगी अपनी लोअर लैश लाइन पर। यहाँ पर थोड़ा सा मैं अच्छा लुक इससे लगेगा और ज़्यादा ग्लैमरस लगेगा और थोड़ा कलरफुल आईज लगेंगी हमारी, इसलिए मैंने पर्पल शेड यहाँ पर लिया। आप चाहो तो आपको जो अच्छा लगे आप वो शेड ले लो। उसके बाद मैं फेस की ब्राउनसिंग कर लूँगी अच्छे से। आप चाहो तो क्रीम ब्राउनसिंग भी कर सकते हो, क्रीम कॉन्ट्रोल, और मुझे पाउडर कॉन्ट्रोलिंग ज़्यादा पसंद है तो मैं पाउडर कॉन्ट्रोलिंग कर रही हूँ। मैं इसको अच्छे से कर लूँगी और ब्लेंड कर लूँगी साथ ही साथ। और उसके बाद मैं फोरहेड पर भी हल्का हल्का इसको अप्लाई करूँगी और ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं पीच शेड सा मैं ले रही हूँ यहाँ पर, ब्लश के लिए मैं पीच सा ले रही हूँ कलर, आपको जो अच्छा लगे आप वो ले लें। उसके बाद मैं नोज़ की भी कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, बहुत लाइट हैंड से मैं यहाँ पर कर रही हूँ। उसके बाद विट एंड वाइल्ड का मैं हाईलाइटर लूँगी
और उसको अच्छे से फुल फेस पर अप्लाई कर लूँगी मैं जहाँ जहाँ मुझे चाहिए। मैंने अपनी ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर लिया है। उसके बाद मैंने डीप मरून कलर की मैंने यहाँ पर लिपस्टिक ली है। मरून कलर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। आप चाहो तो यहाँ पर रेड कलर ले सकते हो। मैंने मरून कलर से लुक को कम्प्लीट किया है अपने और ये लुक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पर मेरा लुक कम्प्लीट होता है। अगर आपको ये लुक अच्छा लगे तो इसको ट्राई ज़रूर करें। मैंने यहाँ पर एक सिल्वर ज्वेलरी के साथ अपने लुक को कम्प्लीट किया है और एक मैंने मैसी सा बन बनाया है यहाँ पर। आप चाहो तो ओपन हेयर रख सकते हो। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लुक को ट्राई ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉच।